अमित शाह जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिल्ली रवाना हो गई, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आज सीपी जोशी से दोनों नेताओं की मुलाकात होनी है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात होनी है, कल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी बैठक। तो ये बड़ा अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। अमित शाह जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिल्ली रवाना हो गए। तो आज सीपी जोशी से दोनों ही नेताओं की मुलाकात होनी है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से भी मुलाकात, कल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी बैठक भी हुई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। राजस्थान चुनाव को लेकर भी सरगर्मी तेज है इस वक्त, ऐसे में इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने है, इस बीच दिखा रहे हैं हम आपको किस तरीके से राजस्थान चुनाव से पहले बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। टिकट बंटवारे से पहले सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो तमाम बड़े नेता और मंत्री हैं उन्हें भी टिकट दिया जा सकता है। सारी परिस्थितियों पर सब पर चर्चा हुई है, अलग अलग क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है, ठीक है, इश्यूज पर भी चर्चा हुई है, चुनाव का किस तरह के समीकरण बनेंगे उस पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान सरकार के हालात पर भी चर्चा हुई है, आने वाले समय में चुनाव को किस दिशा में लेकर जाना है, किस तरह से लेकर के जाना है, इन सब पर हमने बात की। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को आपने सुना, बात कर लेते हैं बीजेपी के मिशन राजस्थान की, जिसको लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पार्टी सूत्रों के हवाले से कई बड़ी खबरें छन छन कर बाहर भी आ रही, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। जयपुर में अमित शाह जेपी नड्डा की बैठक को लेकर भी अपडेट सामने आया। इस बीच मिशन राजस्थान पर किस तरीके से तमाम नेता एक्टिव है, पार्टी नेताओं के साथ करीब 6 घंटे तक ये बैठक चली, जानकारी और क्या कुछ सामने आई बता दें। वसुंधरा राजे से अमित शाह की अलग से मुलाकात हुई, इसके अलावा वसुंधरा शाह में करीब आधे घंटे की बातचीत हुई, वो भी अलग से। इसके अलावा दूसरे राज्यों के 44 नेता राजस्थान में तैनात, तो ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ रहे हैं, जयपुर से हमारे साथ ध्वज आर्य जुड़ रहे हैं, तो दिल्ली से आमोद राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक-एक कर मैं दोनों का रुख करना चाहूंगी, पहले आमोद आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अमित शाह भी दिल्ली पहुंच रहे, जेपी नड्डा भी दिल्ली पहुंच रहे, और राजस्थान को लेकर पूरी पार्टी इस वक्त एक्टिव मोड में। निश्चित तौर पर देखिए प्रतिमा, राजस्थान की कल रात की जो बैठक थी और उसके बाद आज सुबह में जो 1.5 घंटे की बैठक हुई, ये बहुत अहम है। और राजस्थान की इस पूरी बैठक में सबकी निगाह इस बात पे थी कि वसुंधरा राजे आखिर जो चुप्पी साधे बैठी हैं, जो खामोश हैं पूरे चुनाव में, पूरे राजस्थान में जब रथ यात्रा चल रही थी उसमें भी बहुत एक्टिव नहीं थी, तो उनका रुख क्या होगा। कल रात में गृहमंत्री ने जिस तरह से लगभग 1.5 घंटा अलग से मुलाकात की वसुंधरा राजे सिंधिया से, ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी वसुंधरा राजे इंडिया को एक्टिवेट करना चाहती है, उनको एक्टिव मोड में रखना चाहती है, क्योंकि पार्टी इस बात को जानती है कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान के लिए अहम रखती हैं। लेकिन इसके अलग अन्य मुद्दों पर भी चर्चाएं हुई हैं, जिसमें चुनावी स्ट्रेटजी, अशोक गहलोत सरकार के ऊपर कैसे अटैक किया जाए, क्षेत्रवार क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन एक चर्चा जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें थी कि कई केंद्रीय मंत्रियों के नामों पर चर्चा हो सकती है और उनको चुनाव लड़ाने पर विचार हो सकता है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ किया है कि इस बैठक में कोई किसी मंत्री के नाम पर चर्चा नहीं हुई है। खास करके उन्होंने अपने बारे में कहा है कि मंत्री रहते हुए उनके चुनाव लड़ने पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन वसुंधरा राजे का इस चुनाव में एक्टिव कैसे उपयोग किया जाए इस मुद्दे को लेकर खास स्ट्रेस दिया गया है, चूंकि वहां का जो लोकल यूनिट राजस्थान का आरएसएस का है, खासकर लिंबाराम जी जो क्षेत्र प्रचारक हैं या प्रकाश जी जो पूर्व संगठन मंत्री रहे हैं, उनको भी साधकर वसुंधरा को भी साधा जाए और कैसे पार्टी को वहां जीत दिलाई जाए, क्योंकि दो खेमे हैं राजस्थान में, एक आरएसएस अलग से वहां वसुंधरा राजे से नाराज रहता है और वसुंधरा राजे को भी नाखुश बीजेपी नहीं कर सकती है, लिहाजा उनको भी साथ लेकर चलने की कवायद की जा रही है और कैसे पार्टी को जिताया जाए इस पर पूरी रणनीति बनाई गई। ठीक है, राजस्थान की इनसाइड स्टोरी के लिए ध्वज आर्य का भी रुख कर लेते हैं। ध्वज, जयपुर में 6 घंटे तक मुलाकातों का कल दौर चला, लेकिन वसुंधरा राजे के साथ अलग से मुलाकात हुई है, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए और क्या कन्विंस कर पाई है पार्टी उन्हें एक बार फिर से एक्टिव होने के लिए?
देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से आमोद जी ने बताया कि सबकी निगाहें जो थी वो थी वसुंधरा राजे पर। इस मीटिंग में जब तमाम जो बड़े नेता आ रहे थे तो मीडिया और नेताओं की निगाहें थी वसुंधरा राजे पर। वसुंधरा राजे जब अंदर गई उसके बाद में जब उनसे मीटिंग हुई और करीब 1 से 1.5 घंटे तक उनसे जो है 1-to-1 संवाद किया अमित शाह ने, तो कहीं ना कहीं जो वसुंधरा राजे को साधने की कोशिश की जा रही है राजस्थान में, क्योंकि ये अच्छी तरीके से बीजेपी को पता है कि अगर वसुंधरा राजे को नहीं साधा गया तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा डेंट मिल सकता है। तो ये जो थी एक लंबी मीटिंग चली, उसके बाद में जब वसुंधरा राजे बाहर आई तो उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे मिक्सअप थे, मतलब अलग अलग तरह के जो उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन आ रहे थे वो साफ तौर पर बता रहे थे कि कहीं ना कहीं वो नाखुश हैं। जो फैसला ऊपर हुआ है अंदर जो मीटिंग में जो फैसला हुआ वो नाखुश हैं। तो अब उसके बाद में आज जो है दोबारा से सीपी जोशी को बुलाया गया, राजेंद्र राठौड़ को बुलाया गया, उनसे 1.5 घंटे की दोबारा से मीटिंग की गई अमित शाह और जेपी नड्डा ने। उसके बाद अभी कुछ ही देर पहले वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये तय माना जा रहा है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अमित शाह यहाँ जीत का मंत्र देने आए थे। जीत का मंत्र उन्होंने दिया है और बताया है कि किस तरीके से परिवर्तन यात्रा में जो भीड़ कम आई थी उसको लेकर भी चर्चा की गई और जो तमाम जो अब सांसद हैं जो कि एमपी की तर्ज पर सांसदों को टिकट देने की तैयारी की जा रही है, इसके लिए भी चर्चा की गई कि किस तरीके से जो ये सांसद हैं जो कि हैवी वेट सांसद हैं इन्हें किस तरीके से उतारा जाए, एक सीट के साथ साथ में आस पड़ोस की जितनी भी 8 से 10 सीटें। तो कुल मिलाकर राजस्थान में चुनाव से ठीक पहले सरगर्मियां तेज होती हुई, ऐसा ही साफ तौर पर जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है उसे देखकर नजर आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका भी और ध्वजारे आपका भी।